अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लाइफ स्टाइल ब्यूटी फैशन। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती नेस्कैफे कॉफ़ी बनाना बता रही हूँ इस विंटर्स में। ये रहा मेरा नेस्कैफे क्लासिक कॉफ़ी है, ठीक है। इसको देख लें गौर से, इसकी पैकिंग वैकिंग देख लें, जैसे आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जो है मुझे बनानी है असल में 2 से 3 कप कॉफ़ी बनानी है, या 3 से 4 कप भी मैं बना सकती हूँ इस बैटर में कॉफ़ी। यानी इतने ये जो मैंने लिया है ना, इस हिसाब से मैं 3 से 4 कप कॉफ़ी बना सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, बड़े बड़े कप नहीं होने चाहिए, ऐसे नॉर्मल होने चाहिए। जैसे ये मेरे पास नॉर्मल सा कप है, छोटा सा है, लग रहा बड़ा है लेकिन है छोटा, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मैंने ली है ये टीस्पून, देख रहे हैं आप, ये 2 टीस्पून मैंने कॉफ़ी के लिए हैं भर के, 2 टीस्पून कॉफ़ी के लिए हैं, और 2 ही टीस्पून मैंने चीनी के लिए हैं भर के। जितनी कॉफ़ी डालेंगे उतनी ही चीनी डालेंगे आप लोग, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमने 2 चमचे कॉफ़ी डाल दी, 2 चमचे चीनी डाल दी, इसके बाद हमारे माइक्रोवेव में जो है वो गर्म हो गया पानी। ये मैंने पानी गर्म कर दिया था, ये देखिए खोलता हुआ गर्म हो रहा पानी, हाथ जल गया। ये गर्म गर्म पानी है, ये गर्म गर्म, इसका मैंने अगर 2 टीस्पून आपने डाला है ना सब कुछ, यानी कॉफ़ी और चीनी 2 टीस्पून है, तो 1 टीस्पून आप डालेंगे ये पानी, सिर्फ 1 टीस्पून, राइट। ये देखिए ये मेरा हो गया, ये 1 टीस्पून, ये मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पानी डाल दिया, अब हो गया शायद 1 टीस्पून कम्प्लीट। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है, मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ। गर्म जलता हुआ ही पानी होना चाहिए, जैसे मेरा पानी है। ये देखिए गाइस, ये रहा पानी, मेरा पानी, इसको मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला था इसमें, और जब मैंने अच्छे से इसे फेंटा, 2 से 3 मिनट बाद की पोजीशन दिखा रही हूँ आपको, ये हो गई है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद ये हो गई है पोजीशन। जब आपको लगे कि पानी बिल्कुल ही अकड़ गई है चीनी, या मिक्स नहीं हो पा रहा, तब आप ज़रा सा 1/2 टीस्पून लाइन डालेंगे और नहीं डालेंगे, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। और मैं आपको बता रही हूँ 2 मिनट बाद की सिचुएशन है, अब मैं आपको 3 मिनट बाद की सिचुएशन बताती हूँ कैसी होती है। अभी देखे, ये 2 मिनट बाद की है, पानी वैसे ही रखा हुआ है, मैंने पानी नहीं डाला और उसी को किया, वैसी हो गई है, ठीक है। इसको और करेंगे, इतनी करेंगे कि ये जैसा अभी गिर रही है ना वापस कप में, जैसा देखें अभी गिरनी नहीं चाहिए, उस वक्त तक हम करेंगे, गिर रही है, गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो और इसे विस्क करेंगे और इसे पीटेंगे। ये देखें, ये वाली पोजीशन है अभी 1 मिनट बाद की पोजीशन है, जिसमें अभी भी ये थोड़ी थोड़ी, ये देखें कि थिक नहीं हुई है, इसकी चीनी आपको नज़र आ रही है, चीनी अभी डिजॉल्व नहीं हुई है, तो हमें और फेंटना होगा इसे थोड़ा सा, ताकि ये चीनी भी डिजॉल्व हो जाए, अभी जो पूरा पूरा आ रहा है ये ऐसे अंदर ना आ जाए, ये रुक जाए, ठीक है। थोड़ा सा और करते हैं, पानी वैसे ही है, यहाँ पर हमने ऑलपर्स का दूध लिया है, ये वाला, ठीक है, और ऊपर इसका दूध लिया हमने, जो कि हम इसमें डालेंगे अपने, इसमें डालेंगे 1-2 कप डालेंगे ऊपर इसका दूध, और इसे अच्छे से उबालेंगे। तब तक ये करते हैं, कैसे हम कर रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, तो अब ये देखें, ये 2-4 से 5 मिनट बाद ये ऐसी पोजीशन आई है इसकी, इसमें देखें अभी भी ये जो है वो कप में गिर रही है। ये जब तक हमें इसे करना है, फेंटना है, जब तक ये कप में ना गिरे, इसी में रहे, अभी गिर रही है ना, यानी अभी इसे हमें और फेंटना है, अभी चीनी इसकी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, तो इसे और करना है, जब तक करना है जब तक इसकी चीनी इसमें मिक्स हो जाए और ये ऊपर से गिरे नहीं, इसी में रहे। अच्छा, ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट हमने और किया है और ये ऐसी बन गई है, अब ये इजीली नहीं गिर रहा कप में, ठीक है, कप में जैसे फौरन गिर रहा था वैसे नहीं गिर रहा, ये इसकी पोजीशन ऐसी हो गई है, बहुत मुश्किल से गिर रहा है। तो बस अब हम 1-2 मिनट और इसे करके जो है वो गर्म दूध करेंगे और उसमें डाल देंगे।
देखिए ये इस पोजीशन पे आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत मुश्किलों से गिर रही है, यानी ये रेडी है। ठीक है, अब हम जो है वो दूध डालते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें हम दूध डालेंगे। ये देखें, ये मैंने दूध डाल दिया, ये मैंने 2 कप दूध डाला है, लेकिन मुझे इसे अच्छे से उबालना है। हालांकि ऑलपर्स के दूध को उबालने की जरूरत नहीं मिलती, नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मुझे इसे ऐसे उबालना है कि इसमें थोड़े से झाग आ जाए। ठीक है, और फिर मुझे गरम गरम कॉफी में डालना है, कप में डालना है। ठीक है, ये देखें गाइस, इसको मैं इस चमचे से इसमें झाग बना रही हूँ। उसका चूल्हा मैंने थोड़ा हल्का फुल्का जला लिया, चूल्हा बहुत हल्का चूल्हा नहीं है, यानी दम से थोड़ा ज़्यादा जो चूल्हा होता है, लाइट मीडियम से कम है। ठीक है, और ये मेरी रही कॉफ़ी, ये मैं डालूंगी और आपको बताऊंगी, और मैं इस कप में डालूंगी। ठीक है, तो अच्छे से इसमें झाग लेना चाहिए, जितना अच्छे इसमें कफ आएगा ना उतनी अच्छी आपकी कॉफी बनेगी। ये देखें गाइस, कैसे इसमें कफ आने लग गया दूध में। यूं यूं करते रहेंगे आप, इसमें कफ आता रहेगा, झाग आता रहेगा, और जितना कफ आएगा उतना अच्छा हमारा जो है वो कॉफ़ी बन जाएगी, यानी फेंट नहीं हो गया। जैसे हम दूध को फेंटते, कॉफ़ी को फेंटते, वैसे हम दूध को भी फेंट रहे हैं कि यूं करने से गिरने लग गया। इसमें मैं कमी चाहिए करेंगे, ज़्यादा अच्छा ना गिरने लग जाएगा। ये देख रहे हैं आप पोजीशन, जब शुरू में मैंने दूध डाला था वो वाली वीडियो देखिएगा, और अब मेरी वीडियो देखें जिसमें दूध में उबाल भी आ रहा है और ये जो मैंने कफ बनाया है यानी झाग बनाया है, ये बहुत अच्छे से बन गया है। तो तरीका ये होता है, ऊपर से ले जाके छोड़ना होता है, लेकिन देख कर छींटे आपके ऊपर ना आ जाए, आपके ऊपर गर्म दूध ना गिर जाए, तो प्लीज़ ध्यान से देख कर करिएगा, चूल्हे से ज़रा सा दूर होके करिएगा। अब थोड़ी ही देर में, 1-2 मिनट के अंदर मैं इसे कप में निकाल लूँगी, दूध दोनों कप में दूध निकाल लूंगी, और फिर मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कॉफी। ये देखिए गाइस, मैंने दूध निकाल लिया है, दोनों कप में दूध निकाल लिया है। ठीक है, दोनों कप में मैंने दूध निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें कॉफी डाल के दिखाती हूँ। ये ये देखिए आप लोग कैसा टेक्सचर है। मैंने दोनों में चमचे डाल के दिखाया आपको, दोनों में कुछ चला के दिखाऊंगी अच्छे से। ये देखिए, ये अभी भी स्टिल कॉफ़ी है उस अच्छे से। चल यूं करके ना फेटे ज़्यादा, यूं करके बेटा, फेंटना नहीं होता जैसे फेंटते, चलाना नहीं, यूँ चला नहीं रहे, फेंटना वैसे इसको फेंटना। ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको फेंटते हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कैसी लगी आपको हमारी कॉफ़ी, ज़रूर से बताइएगा, और शेयर भी करें वीडियो को, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और ये सब कुछ आपके सामने लाइव है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ चलाकी नहीं है कि कितनी देर में बना है तो मैंने आपको जल्दी बना के दिखा दिया, और नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, सब कुछ फेयर है और आपके सामने। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम नई वीडियो के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बहुत ज़्यादा अल्लाह हाफिज़।